और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना संबोधन दे रहे हैं, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। लड़ रहे हैं आपस में, कोर्ट में, कचहरी में, आपस में लड़ रहे हैं दोनों भाई, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। दोनों ने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ रखा है। आसमान में अगर भगवान राम बैठे होंगे तो टप टप आंसू बहा रहे होंगे, ये कैसे मेरे भक्त आ गए जो मेरा संदेश भी नहीं मानते। हमें भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में ढालना है, उनके संदेश को अपने जीवन में ढालना है। भगवान राम जाति को नहीं मानते थे, वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान राम वनवास गए, चारों तरफ बात फैल गई कि भगवान राम वनवास आए हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करना चाहते थे। वन में एक माता शबरी थी, शबरी माता थी, वो ऐसी जाति से आती थी जिसको समाज के अंदर जो छुआछूत से प्रताड़ित थी। माता शबरी छुआछूत से प्रताड़ित थी, वो ऐसी जाति से आती थी, उन दिनों में उसे छोटी जाति कहते थे, छोटी जाति से आती थी। भगवान राम की परम भक्त थी। भगवान राम बड़े बड़े राजाओं को दर्शन देने के लिए उनके महलों में नहीं गए, भगवान राम माता शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए। और जब भगवान राम माता शबरी को मिलने के लिए जाते हैं, वो इतनी भोली है, इतनी भोली है, वो चाहती है, वो बेर लेके आती है वन से, और वो चाहती है कि वो केवल मीठे बेर भगवान राम को खिलाए। तो वो एक एक बेर निकालती है, उसको पहले चखती है और झूठा बेर टोकरी में रख के महाराज के सामने रख देती है, जो खट्टे बेर है उनको फेंक देती है। झूठे बेर, मां शबरी के झूठे बेर भगवान उठा उठा के खा रहे हैं। लक्ष्मण भगवान राम को कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये झूठे बेर हैं। भगवान राम कहते हैं कि इतना अच्छा आहार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। कोई मेरा भक्त अगर प्यार से मुझे जो भी खिलाएगा, जैसे भी खिलाएगा, वो मुझे मंजूर है। ऐसे थे भगवान राम, जो जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज जाति के आधार पर पूरा बटा हुआ है। दोस्तों, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं, उनके राजपाट में चारों ओर सुख शांति है, विकास ही विकास है, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इतिहास के अंदर इसे राम राज्य की परिभाषा दी गई है, राम राज्य। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं हुआ। रामायण के अंदर इसका कई चौपाइयों और दोहों के अंदर विवरण है, मैं एक बस पढ़ के सुनाऊंगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज में दैहिक दैविक भौतिक दुख किसी को नहीं होते। आगे कहते हैं, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर किसी कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, हम उन्हें
मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% अचीव कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान राम के समय में सब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी, राजा का बेटा भी गुरुकुल में जाता था, रंक का बेटा भी, भिखारी का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी, किसान का बेटा भी, व्यापारी का बेटा भी, सब लोग गुरुकुल में जाते थे और एक समान सबको शिक्षा मिलती थी। आज हमारे देश के अंदर ऐसी प्रथा चल पड़ी है पिछले 75 साल के अंदर, अमीरों के बच्चे जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। गरीबों के बच्चों को कोई भविष्य नहीं मिलता, अमीरों के बच्चे अमीर होते जाते हैं, उनके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने इस प्रथा को बदला दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलने लगी है, समान शिक्षा मिलने लगी है। अब प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, एक ही डेस्क पे अमीर और गरीब का बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलने लगा, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर वकील बनने लगे हैं। तो राम राज्य से प्रेरणा लेके अब दिल्ली के अंदर हमने सभी बच्चों को समान और अच्छी शिक्षा देना शुरू किया है। तीसरा सिद्धांत, अगर कोई बीमार हो जाए तो सबको समान और अच्छा इलाज मिलना चाहिए, पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकना नहीं चाहिए, पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। पहले जैसे पूरे देश के अंदर है, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पे कुछ नहीं होता, अमीर लोग प्राइवेट बड़े बड़े 5-स्टार अस्पतालों में जाते हैं, गरीबों के पास पैसा नहीं है, आज इलाज इतना मुफ्त हो गया कि प्राइवेट में चले जाओ सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, पॉली क्लिनिक खोले, अब महिलाओं के मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, सारी दवाइयां फ्री की, सारा इलाज मुफ्त किया। आज दिल्ली के अंदर सभी लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समान और अच्छा इलाज मिलना चालू हुआ है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मैं जब ये सारी बातें बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि हमने बिल्कुल आइडियल सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन उस दिशा के अंदर काफी बड़े काम हुए हैं। चौथा सिद्धांत, 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, और अगर कोई गरीब है तो उसको भी बिजली मिलनी चाहिए, उसके पास अगर पैसे नहीं है बिजली देने के। आज बिजली कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, बिजली भी आज नेसेसिटी है, बिना बिजली के गरीब आदमी का भी इलाज नहीं चलता। हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज ही अखबार में रिपोर्ट आई है, केंद्र सरकार ने एक सर्वे कराया है, देश के सारे राज्यों का सर्वे कराया है, और उस सर्वे के अंदर आया है कि दिल्ली टॉप के ऊपर नंबर 1 है, दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियां टॉप के ऊपर नंबर 1 है। 24 घंटे दिल्ली के अंदर अब बिजली आती है, पहले जो 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली के अंदर पावर कट नहीं लगते, अब 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। लोगों के पास बिजली के बिल तो आते हैं, 0 बिजली के बिल आते हैं, लगभग 70-73% लोगों को
जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ्री बिजली मिलती है। पांचवा सिद्धांत, सबको पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली के अंदर पानी इतना महंगा था, इतना महंगा था, इतना महंगा था, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए के पानी के बिल आते थे। कई कई इलाकों के अंदर पानी नहीं था। आज दिल्ली के अंदर कई इलाकों में हमने पानी पहुंचाया है, अभी भी कुछ इलाके बाकी हैं, वहां भी कोशिश जारी है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को फ्री में पानी मिलना चालू हुआ है। पानी पिलाने का तो धर्म कहा गया है हमारे ग्रंथों में, पानी पिलाने का तो धर्म होता है, पानी पिलाने का तो पुण्य होता है, पानी से मुनाफा नहीं कमाना चाहिए। हमारी सरकार में गरीबों को और मध्यम परिवार के लोगों को फ्री में पानी मिलने लगा है। छठा सिद्धांत, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता जहां जिस परिवार के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। ऐसा समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस समाज के अंदर बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। एक तरफ हमारी सरकार बनने के बाद पहले 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, बुढ़ापा पेंशन, हमने उसे बढ़ा के 2.5 गुना कर दिया। 2500 रुपए महीना हर बुजुर्ग को पेंशन मिलती है। और दूसरी तरफ बुजुर्गों को हम लोगों ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की है। आज तक 75 साल में कभी किसी सरकार ने अपने बुजुर्गों के लिए इतना नहीं सोचा होगा। हम अपने बुजुर्गों को रामेश्वरम लेके जाते हैं, शिरडी महाराज बाबा के यहां लेके जाते हैं, पुरी जी लेके जाते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश लेके जाते हैं, द्वारकाधीश लेके जाते हैं, अयोध्या जी लेके जाते हैं। ऐसे 12 स्थान है जहां पे हम उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके जाते हैं। रामायण में श्रवण का जिक्र है, जो अपने अंधे बूढ़े मां बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेके गए थे। हम सब ने, यहां बैठे जितने बच्चे हैं, सबने श्रवण की कहानी सुनी होगी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, उनका आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है।